हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एबीसी ऑफ सोशियोलॉजी क्लास। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ट्राइबल मैरिज पे। जो ये वाली सीरीज़ है ट्राइबल सोसाइटी इन इंडिया, इसमें हम लोगों ने अभी तक जो टॉपिक्स कवर किए हुए हैं वो है मीनिंग ऑफ ट्राइब, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ ट्राइब, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब, ट्राइब एंड कास्ट, ट्राइब एंड क्लैन। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हुई हैं तो प्लीज़ उसको एक बार देख ले, अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कर ले। ये हमने अभी जो स्टार्ट किया हुआ है वो सेकेंड यूनिट हमने स्टार्ट किया हुआ है। सेकेंड यूनिट का सेक्शन का नाम है ट्राइबल इंस्टीट्यूशंस। ट्राइबल इंस्टीट्यूशंस में अभी तक हमने एक टॉपिक कवर किया है जो कि था ट्राइबल फैमिली। अब जो आज वाला टॉपिक है वो है ट्राइबल मैरिज पे। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। इंट्रोडक्शन। Marriage is a social institution and marriage and family are complementary concepts. हमने जो family भी पढ़ा था वहाँ पे भी मैंने कहा था कि जो family है वो एक important institution है जब हम society की बात करते हैं। Family के साथ साथ marriage भी जो है वो important institution है, और marriage and family जो है these are the complementary concepts. Complementary that means going together. As such, मैरिज इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल सोसाइटीज़। मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन आपको हर एक सोसाइटी में देखने को मिलेगा। इट्स अ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन। विदाउट मैरिज वन कैनॉट थिंक ऑफ अ फैमिली। बिना मैरिज के वन कैनॉट थिंक ऑफ अ फैमिली। ठीक है, जो हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स में भी आता है, दैट इज़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू गेट मैरिड एंड देन आफ्टर दे कैन थिंक अबाउट देयर नेक्स्ट जनरेशन और देयर प्रोजेनी। The institution of marriage among the tribals is different from that in the Hindu society. जो institution है marriage का वो tribals में बहुत ही अलग है अगर हमें Hindu society की बात करते हैं। Marriage among the tribals is not a religious sacrament but a social contract with the purpose of continuation of family. Marriage जो कि एक काइंड ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, या बोल सकते हैं एक तरीका अग्रीमेंट है, ना कि रिलीजियस सेक्रामेंट है जो हमें एक हिंदू मैरिज में देखने को मिलता है। बट ट्राइब्स में क्या है, ट्राइब्स में जो मैरिज है इज़ अ काइंड ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, नॉट अ रिलीजियस सेक्रामेंट विद द पर्पज ऑफ कॉन्टिन्यूशन ऑफ फैमिली। द फॉर्म्स ऑफ मैरिज सेरेमनीज द टैबूज एंड द लॉज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज आर डिफरेंट इन द ट्राइबल वर्ल्ड फ्रॉम सिविलाइज सोसाइटी। अगर हम मैरिज के फॉर्म्स की बात करें, या मैरिज सेरेमनीज़ की बात करें, या टैबूज़ की बात करें, या लॉस की बात करें रिगार्डिंग रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज, वो डिफरेंट है ट्राइबल्स में एज़ कम्पेयर टू सिविलाइज्ड सोसाइटीज़। सिविलाइज्ड सोसाइटी की बात करें उनमें जितने भी ये हमने बोला फॉर्म्स ऑफ मैरिज या सेरेमनीज़, वो अलग हैं जब हम ट्राइबल वर्ल्ड या सिविलाइज सोसाइटी की बात करते हैं, दोनों में अलग हैं। Next is forms of marriage. The following are the important forms of getting acquire a mate in tribal society. देखो, अब कई बुक्स है उसमें forms of marriage में types दिया हुआ है, कईयों में जो है अलग से to acquire a mate in tribal society में जो अब हम लोग बात करने वाले वो steps दिए गए हैं। So don't get confused. अगर आपको forms of marriage आता है तो आप ये वाले points भी लिख सकते हैं, बट अगर आपको टाइप्स पूछी जाती है तो वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो टाइप्स में आप वही टाइप्स देंगे। ओके, द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ गेटिंग स्लैश अक्वायर अ मेट इन ट्राइबल सोसाइटी। अब फॉर्म्स ऑफ मैरिज में जो है हम लोग कौन से ऐसे वेज है जिसके थ्रू हम लोग जो ट्राइबल पीपल है वो अपना पार्टनर चूज़ करते हैं या उन्हें पार्टनर मिलता है फॉर मैरिज। फर्स्ट वन इज़ द मैरिज बाय परचेज। द मोस्ट प्रेविलेंट मेथड ऑफ सिक्योरिंग ब्राइड इन प्रिमिटिव सोसाइटीज इज मैरिज बाय परचेज। जो बहुत प्रेविलेंट मेथड है ट्राइब्स में, या हम प्रिमिटिव सोसाइटी की बात करें, वो क्या था, मैरिज बाय परचेज। यहाँ पे इस वाले फॉर्म में क्या है, हेयर कैश मनी ब्राइड प्राइस और कंपनसेशन इज पेड टू द ब्राइड फैमिली बाय द हस्बैंड साइड और ग्रूम। अब यहाँ पे क्या होता है, किसी तरह का कैश या जिसको आप ब्राइड प्राइस या किसी तरह का कॉम्पनसेशन जो है वो कौन पे करता है, वो ब्राइड ग्रूम पे करता है। किसको, ब्राइड की फैमिली को। दिस मनी इज़ कंसिडर्ड एज द वेल्थ ऑफ द वुमेन फॉर हर प्रेस्टीज इन सोसाइटी।
और वो जो पैसा या वो जो कॉम्पनसेशन जो है विमेन को ब्राइड की फैमिली को मिलता है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज दी वेल्थ ऑफ द विमेन फॉर हर प्रेस्टीज इन दी सोसाइटी। दिस टाइप ऑफ मैरिज इज़ प्रैक्टिस्ड, और ये वाली टाइप ऑफ मैरिज किन किन ट्राइब्स में पाई जाती हैं? संथल, एचो, गोंड ऑफ इंडियन ट्राइब्स। दो इट इज़ प्रिमिटिव टाइप ऑफ मैरिज बट इज स्टिल प्रेजेंट इन अवर सोसाइटीज़। अब हमने पहले ही स्टार्टिंग लाइन में ही हमने कह दिया कि जो इस तरह का फॉर्म है मैरिज का वो प्रिमिटिव सोसाइटी में देखा जाता था, पर ये फॉर्म जो है मैरिज का ये आज भी हमारी सोसाइटी में देखा जा सकता है। नेक्स्ट इज मैरिज बाय सर्विस। हेयर इज अनदर टाइप ऑफ मैरिज बाय सर्विस। द ब्राइड प्राइस इज नॉट पेड इन द शेप ऑफ मनी बट इज द इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज। अब ऊपर हमने क्या बोला कि एक कंपनसेशन या ब्राइड प्राइस जिसको बोलते हैं वो पे किया जाता है मैरिज बाय परचेज में, बट जब हम लोग मैरिज बाय सर्विस की बात करते हैं वहाँ पे क्या होता है, ब्राइड प्राइस नहीं पे किया जाता है, कोई मनी नहीं होता है वहाँ पर सर्विसेज की फॉर्म में जो है वो कंपनसेशन दिया जाता है किसको, ब्राइड की फैमिली को। द यूथ बिफोर द मैरिज गिव्स सर्विसेज टू हिज फ्यूचर फादर इन लॉ फॉर अबाउट 3 to 5 years। कोई भी लड़का जो है वो क्या करेगा, मैरिज से पहले सर्विसेज किसी भी तरह के हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लें, या फिर किसी भी तरह का फार्मिंग फॉर एग्ज़ाम्पल उस कॉन्टेक्स्ट में अगर समझ ले, तो वो सर्विसेज किसको प्रोवाइड करेगा, लड़का अपने फ्यूचर फादर इन लॉ को, कितने टाइम के लिए, 3 to 5 years के लिए। इफ़ द फादर ऑफ द गर्ल वॉज सेटिस्फाइड फ्रॉम द मैन देन ही गिव्स हिज डॉटर टू हिम, अदरवाइज ही डिसमिसेस द यंग एंड गिव चांस टू अदर पर्सन। अगर जो फादर इन लॉ है वो यंग मैन से सेटिस्फाई है कि वो जो सर्विसेज है उसने अच्छे से अपना सारा काम किया है, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी बेटी की शादी उस यंग मैन से करवा देंगे। और अगर वो यंग मैन जो है अपने फ्यूचर फादर इन लॉ को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है बाय हिज सर्विसेज, देन क्या होता है, उस यंग मैन को डिसमिस किया जाता है और जो मैरिज के लिए चांस है वो किसी और पर्सन को मिल जाता है। दिस टाइप ऑफ मैरिज इज प्रैक्टिस्ड अमंग गॉन्ड्स, वेगा, लामनिया। और ये टाइप ऑफ मैरिज जो है ये कहाँ कहाँ हमने देखो को मिलती है, गॉन्ड्स में, वेगा और लामनिया में। ठीक है, ये दो फॉर्म्स है मैरिज की, मैरिज बाय परचेज और मैरिज बाय सर्विस। मैरिज बाय परचेज में मनी का कॉन्सेप्ट आएगा और मैरिज बाय सर्विस में सर्विस आएगी, वो किसी भी तरह की, मैंने वो एग्जांपल भी बोली, फॉर एग्जांपल उनके पास फार्म है तो वो लड़की जो भी यंग मैन होगा उनकी डॉटर के लिए जो मैरिज के लिए आया होगा उसे वो फार्मिंग के लिए रख देंगे, या किसी भी तरह का काम होगा ट्राइबल्स के पास तो उसको उसमें काम के लिए बोल देंगे। नेक्स्ट इज मैरिज बाय कैप्चर। An important method of securing a bride in Indian tribes is marriage by capture. This form of marriage is prevalent due to different types of causes. In Echo tribe, its cause is the excessive bride price. अब capture का मतलब है किसी को पकड़ के शादी करवा लो। तो अब ये जो इस तरह की जो मैरिज है वो प्रेविलेंट है, बहुत प्रेविलेंट है, उसके बहुत सारे कॉजेज़ है। उसका ये भी एक कॉज तो ये है कि बहुत ज़्यादा कंपनसेशन पे करना पड़ रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा ब्राइट प्राइस जो है पे करना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वेरी रीज़न इट इज़ प्रेविलेंट। द कस्टम ऑफ मैरिज बाय कैप्चर इज़ फाउंड अमंग द संथल, मुंडा, भूमिज, गोंड, बिल एंड नागा ट्राइब्स। अब जो कस्टम है मैरिज बाय कैप्चर का ये किन किन में देखने को मिलता है, किन किन ट्राइब्स में देखने को मिलता है, संथल, मुंडा, भूमिज, गोंड, बिल एंड नागा ट्राइब्स। एमंग द भूमिज ट्राइब्स इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज, सो मच सो दैट इवन आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ द मैरिज द पेरेंट्स ऑफ गर्ल रिक्वेस्ट द ब्राइड ग्रूम टू रन अवे विद द ब्राइड। भूमिज ट्राइब में क्या होता है जो है ये वाली फॉर्म ऑफ मैरिज को बहुत कंसिड्रेशन मिलती है, जब ही मैरिज जैसे हो, अच्छा डिसाइड कर लिया कि जो बॉय है उसकी शादी किसी भी गर्ल से हो, तो वो क्या करते हैं, जब सेटलमेंट ऑफ मैरिज हो जाती है जो पेरेंट्स है गर्ल के वो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं किसको, ब्राइड ग्रूम को, टू रन अवे विद द ब्राइड। इन द खरिया एंड बिरहोर ट्राइब्स ऑफ बिहार इफ़ अ यंग मैन
forcibly applies vermilion and oil on the forehead of girl, she is declared his wife. अब खरिया एंड बिरहो ट्राइब में क्या होता है, अगर यंग मैन जो है वो फोर्सफुली जो है फोर्सिबली अगर वो अप्लाई करता है सिंदूर और ऑयल गर्ल के फोरहेड पे, तो जो लड़की है शी इज़ कंसिडर्ड एज हिज वाइफ. नेक्स्ट इज़ द गोस्ट मैरिज. दिस इज़ एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ लेवरेट मैरिज. लेवरेट मैरिज टाइप जो है हम आगे पढ़ेंगे. इफ़ अ पर्सन डाइज हिज यंगर ब्रदर विल मैरी विद द फियांसे ऑफ हिज डिजीज ब्रदर. अब गोस्ट मैरिज में क्या होता है, अगर किसी आदमी की डेथ हो गई तो उसकी फॉर एग्जाम्पल लगा लो एंगेजमेंट हो गई है या कहीं रिश्ता हो गया हुआ है किसी लड़की के साथ, तो उस केस में क्या होता है कि जो उसका छोटा भाई है, अगर उसका छोटा भाई है वो क्या करेगा, उसकी शादी करवा दी जाएगी किससे, विद द फियांसे ऑफ हिज डिजीज ब्रदर. इट मीन्स दैट व्हेन अ पर्सन डाइज बिफोर मैरिज द यंगर ब्रदर ऑफ दैट डिजीज पर्सन विल मैरी विद द फियांसे ऑफ दैट पर्सन. इसका मतलब है अगर एक पर्सन जो है शादी से पहले डेथ हो जाए तो उसके बाद क्या है, उसके छोटे भाई की शादी किनसे करवा दी जाएगी, उसकी फियांसे से. द यंगर ब्रदर विल बी कंसिडर एज द बायोलॉजिकल फादर. जो आगे की प्रोजेनी होगी उनकी, तो जो यंगर ब्रदर है वो क्या कंसिडर किया जाएगा, एज द बायोलॉजिकल चाइल्ड, सॉरी बायोलॉजिकल फादर ऑफ द चाइल्ड, जो भी आगे उनकी प्रोजेनी होगी या चिल्ड्रन. एंड द गोस्ट और लेट ब्रदर, जो डिजीज्ड है ब्रदर, वो विल बी कंसिडर्ड एज द सोशल फादर ऑफ चिल्ड्रन. और जो डिजीज्ड ब्रदर है वो क्या कंसिडर किया जाएगा, एज द सोशल फादर ऑफ द चिल्ड्रन. मतलब जो बच्चे हैं उनके फादर का नाम किनका रहेगा, जो कि डिजीज्ड ब्रदर है. द गोस्ट मैन इज ऑल्सो काउंटेड इन द फैमिली. जो नंबर है गोस्ट मैन का वो स्टिल काउंट किया जाएगा विद इन द फैमिली. दीज आर प्रैक्टाइज इन सूडान वेयर द पीपल बिलीव दैट इन देयर फैमिली हिज सोल वुड डिस्ट्रॉय देम. अब ये प्रैक्टाइज क्यों, इसका एक रीज़न ये है कि अगर वो उस पर्सन को काउंट नहीं करेंगे या उसकी सोल को काउंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उनकी सोल जो डिजीज्ड की सोल है वो कहीं ना कहीं उन्हें ख़त्म कर देगी या उनकी फैमिली को किसी तरह का नुकसान पहुंचा देगी. इसीलिए जो है ये प्रेविलेंट है या इस चीज़ को फॉलो किया जाता है अमंग द ट्राइब्स. नेक्स्ट इज मैरिज बाय म्यूचुअल कंसेंट एंड इलोपमेंट. मैरिज बाय म्यूचुअल कंसेंट एंड इलोपमेंट एन इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ सिक्योरिंग अ ब्राइड प्रेविलेंट इन इंडियन ट्राइब्स इज मैरिज बाय म्यूचुअल कंसेंट एंड इलोपमेंट. जहाँ पे अपनी मर्जी है या फिर इलोपमेंट मतलब भाग जाना. दिस वॉज नोन एज गंधर्व मैरिज इन द एंशियंट हिंदू स्क्रिप्चर्स. इस तरह की मैरिज को, म्यूचुअल कंसेंट की मैरिज को गंधर्व मैरिज बोला जाता था इन द एंशियंट हिंदू स्क्रिप्चर्स. अमंग द एचओ ट्राइब्स ऑफ बिहार इट इज़ नोन एज राजी खुशी मैरिज. अगर हम एचओ ट्राइब्स की बात करें बिहार के, तो इस तरह की मैरिज को क्या बोला जाता है, राजी खुशी मैरिज. इन दिस फॉर्म ऑफ मैरिज द गर्ल इलोप्स विद अ यंग मैन by her own consent and does not return to parents till they give consent for marriage. अब इस form of marriage में क्या होता है, जो girl है वो elope हो जाती है, भाग जाती है किसी young man के साथ by her own consent. उसके बाद वो तब तक वापस नहीं आते जब तक उनके parents जो है उनकी marriage के लिए consent ना दें. Naturally, no bride price is demanded in this type of marriage. यहाँ पे ना किसी तरह का bride price दिया जाता है, ना demand किया जाता है, ना किसी तरह का compensation demand किया जाता है. Next is marriage by exchange. In this type of marriage, when a man's sons is prepared to marry another's daughter, the later son accepts a former daughter's in marriage. Thus, an exchange of boys and girls is made between the two families. Simply, दो families हैं, दोनों families में एक बेटा है और एक बेटी है. तो क्या होगा, जो family one है वो अपने बेटे की शादी किससे करवाएंगे, family two की बेटी से. और फिर family one की जो बेटी की शादी है वो किससे करवाएंगे, family two के बेटे से. तो उसका मतलब क्या है, marriage by exchange. Next is the probationary marriage. This type of marriage is found in Kuki tribe of Assam. In this system, the bridegroom stays in the house of the girl for a certain period. अब इस system में क्या होता है, जो bridegroom है, जो दूल्हा है, वो जो है वो
लड़की के घर पे रहेगा फॉर अ सर्टन पीरियड, कुछ टाइम के लिए. इफ़ ड्यूरिंग दिस प्रोबेशन पीरियड दे डिसाइड टू मैरी, एक्चुअली ब्राइड ग्रूम की जगह यहाँ पे यंग मैन आ सकता है. इफ़ ड्यूरिंग दिस प्रोबेशन पीरियड दे डिसाइड टू मैरी, द मैरिज सेरेमनी इज सॉलमनाइज, अदरवाइज द यंग मैन लीव्स आफ्टर पेइंग सम कॉम्पनसेशन टू द पेरेंट्स ऑफ द गर्ल. अब इसमें क्या होता है, सेम जैसे आपने मैरिज बाय सर्विसेज पढ़ा, यहाँ वहाँ पे तो सर्विसेज था, यहाँ पे ऐसा कोई सर्विस मेंशन नहीं किया हुआ है, बट इट्स अ काइंड ऑफ प्रोबेशन पीरियड. अगर जो है इफ़ द कपल डिसाइड टू मैरी तो क्या होता है, मैरिज सेरेमनी परफॉर्म होती है. अगर नहीं, इफ दे डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड, देन जो यंग मैन है वो क्या करेगा, वो कुछ कंपनसेशन प्रोवाइड करता है किनको, द पेरेंट्स ऑफ द गर्ल, अगर शादी नहीं हुई तो. अनदर और इंट्यूशन मैरिज, दिस मेथड ऑफ मैरिज इज़ फॉलोड इफ ऑल अदर वैलिड सोर्सेज ऑफ मैरिज हैव बीन क्लोज्ड सो मच सो दैट इवन द पेरेंट्स ऑफ द गर्ल फेल टू मैरी हर विद द डिज़ायर्ड बॉय. अब इस मैरिज में क्या होता है कि हर तरह की पॉसिबिलिटी, जितनी भी पॉसिबिलिटी है शादी के लिए, किसी सिलेक्टिव इफ़ अगर किसी पर्सन के साथ शादी कर ले, अगर सारे रास्ते बंद हो जाए तो नेक्स्ट जो ऑप्शन रहता है वो है इंट्रूशन काइंड ऑफ मैरिज. इन दिस टाइप ऑफ मैरिज द गर्ल फोर्सिबली एंटर्स द हाउस ऑफ हर लवर एंड डज नॉट लीव इट इन स्पाइट ऑफ सफरिंग ऑल टाइप्स ऑफ इंसल्ट एंड क्रुएलिटीज. अब इसमें क्या होता है, जो गर्ल है वो फोर्सिबली कहाँ पर रहना शुरू कर देती है, उस लड़के के घर में जो कि उसने चूज़ किया है टू गेट मैरिड, और चाहे वो कितनी भी गालियाँ निकाले, इंसल्ट करे, वो स्टिल वहाँ पे रहती है, वो घर छोड़ के नहीं जाती है. इफ़ शी डज नॉट लीव द हाउस फॉर अ सफिशेंटली लॉन्ग पीरियड शी इज़ मैरिड विद द यंग मैन, और अगर वो उस घर में रह लेती है फॉर द लॉन्गर टाइम तो उसके बाद जो है उसकी शादी उस यंग मैन के साथ कराई जाती है. दिस कस्टम ऑफ मैरिज इज़ फाउंड अमंग दी उरान, एचो एंड बिरहोर ट्राइब्स. अब ये कस्टम ऑफ मैरिज हमें किन किन ट्राइब्स से देखने को मिलता है, उरान, एचो एंड बिरहोर ट्राइब्स. नेक्स्ट इज द मैरिज बाय टेस्ट. इन दिस टाइप ऑफ मैरिज द यंग मैन इज अलाउड टू मैरी द गर्ल ऑफ हिज चॉइस आफ्टर ही सक्सेसफुली पास द टेस्ट ऑफ हिज ब्रेवरी. अब इस मैरिज में क्या होता है, यंग मैन को अलाउ किया जाता है, जो लड़की से चूज की होती है, चॉइस जो है लड़के की चॉइस के अकॉर्डिंगली उसकी शादी होती है, अगर वो टेस्ट पास कर ले. टेस्ट किसका, ब्रेवरी का. अ स्ट्रेंज कस्टम ऑफ दिस टाइप ऑफ मैरिज इज़ फाउंड अमंग बिल ट्राइब विच इज़ नोन एज गोल गदेड़ो. और बिल ट्राइब की बात करें तो उनमें एक स्ट्रेंज तरीके का कस्टम है जिसको हम बोलते हैं गोल गदेड़ो. इन इट अ सोशल फंक्शन इज सेलिब्रेटेड अराउंड अ ट्री और अ हाई पोल एट द टॉप ऑफ विच अ कोकोनट एंड सम स्वीट्स आर पुट. अब इसमें क्या होता है, एक सोशल फंक्शन होता है और वो काफ़ी सेलिब्रेट किया जाता है. उसमें क्या होता है, एक ट्री या एक हाई पोल पे उसके टॉप पे कोकोनट रखा जाता है, नारियल और कुछ स्वीट्स रखी जाती है. और फिर उसके बाद क्या होता है, द बॉयज़ एंड गर्ल्स डांस अराउंड दिस पोल और ट्री. और उसी पोल और ट्री के अराउंड जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स जो कि उस ट्राइब के होंगे वो क्या करेंगे, डांस परफॉर्म करेंगे. द गर्ल्स रिमेनिंग नियरर द ट्री, जो ट्री है वो सेंटर में होगा तो गर्ल्स जो है उनका सर्कल होगा, दैट वो क्या नियरेस्ट होगा ट्री के. एंड द बॉयज फॉर्मिंग देयर सर्कल आउटसाइड द सर्कल्स ऑफ द गर्ल्स. गर्ल्स के सर्कल के बाद बॉयज अपना सर्कल की फॉर्मेशन करेंगे. नाउ वो डांस परफॉर्म कर रहे होंगे. नाउ अ यंग मैन सडनली ट्राइज टू ब्रेक द सर्कल ऑफ द गर्ल्स. अब क्या है, एक यंग मैन जो है वो सडनली क्या करेगा, लड़कियों का सर्कल ब्रेक करेगा, मतलब लड़कियों को प्रोटेक्ट करना है उस ट्री और या फिर उस पोल को. तो अगर कोई यंग मैन जो है वो उस सर्कल को ब्रेक कर दे एंड रीचेज द पोल और ट्री, ईट्स द स्वीट एंड ब्रेक द सर्कल्स ऑफ द गर्ल एंड रीच द पोल और ट्री, ईट्स द स्वीट एंड ब्रेक द कोकोनट. और अगर वो ब्रेक करके, गर्ल्स का सर्कल ब्रेक करके अगर वो पोल पे से जो स्वीट्स है वो खा ले और कोकोनट ब्रेक कर दे, तो उसके बाद क्या होता है, जो गर्ल्स है वो क्या करेंगी, उसे पीटेंगी. गर्ल्स बीट हिम एंड ट्राई टू रिस्ट्रेन हिम, रोकने की कोशिश करेंगी. इफ़ ही कम्स आउट सक्सेसफुली इन हिज एम, अगर वो इस एम में सक्सेसफुल रहता है
देन ही इज गिवन अ राइट टू सिलेक्ट एनी गर्ल फ्रॉम द गैदरिंग एज हिज वाइफ. अगर वो सक्सेसफुली अपने एम में सक्सेसफुल रहता है तो जो है उसको राइट दिया जाता है कि वो वहाँ की गैदरिंग में से किसी एक गर्ल को सिलेक्ट कर सके टू गेट मैरिड. नेक्स्ट इज़ द टाइप्स ऑफ मैरिज. सी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैरिज बहुत सारी टाइप्स पढ़नी है. सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोगैमी, पॉलीगैमी एंड बाईगैमी. पॉलीगैमी की जो टाइप्स है वो है पॉलीएंड्री एंड पॉलीगाइनी. पॉलीएंड्री की भी दो टाइप्स है आगे, फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री. पॉलीगाइनी की भी आगे टाइप्स है, सुरूरल पॉलीगाइनी एंड नॉन सुरूरल पॉलीगाइनी. ओके, टाइप्स ऑफ मैरिज. सो फर्स्ट वन इज द मोनोगैमी. इन दिस टाइप ऑफ मैरिज वन मैन मैरी टू वन वोमन और वन मोर वोमन मैरीज वन मैन. तो मोनोगैमी में क्या होता है, जहाँ पे एक मैन की शादी किससे होती है, एक वोमन से, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोगैमी. मोस्ट ऑफ द इंडियन ट्राइब्स प्रैक्टाइज मोनोगैमी. मोनोगैमी तो अब आज की सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा प्रेविलेंट है. इस तरह की मैरिज हम अपनी सोसाइटी में देख सकते हैं. नेक्स्ट इज द पॉलीगैमी. पॉलीगैमी क्या है, इट इज़ द मैरिज ऑफ वन पर्सन विद मोर देन वन पर्सन ऑफ द ऑपोजिट सेक्स. इट हैज़ टू सब टाइप्स. पॉलीगैमी मैरिज में क्या है, एक पर्सन की शादी कितनों से हो सकती है, मोर देन वन पर्सन ऑफ द ऑपोजिट सेक्स. अब इसके आगे दो टाइप्स है. फर्स्ट वन इज पॉलीगाइनी. पॉलीगाइनी इज द टाइप ऑफ मैरिज वन मैन मैरिज टू सेवरल वेमेन. पॉलीगाइनी में क्या होता है, वन मैन मतलब एक मैन की शादी किसी होती है, सेवरल वेमेन से. और अगर अब इसमें दो टाइप्स है, एक सरोरल पॉलीगाइनी है, एक नॉन सरोरल पॉलीगाइनी है. When the wives are related to each other as sisters, it is called as sororal polygyny. जब wives जो है वो क्या है, related है, वो आपस में बहनें हैं, तो हम उस type को क्या बोलते हैं, sororal polygyny. If they are not related as sisters, it is called non-sororal polygyny. और अगर वो wives आपस में sisters नहीं हैं, then it is called as non-sororal polygyny. Polygyny is found among the Naga tribes, the Gon, the Baiga and the Toda. It is also found among the Lushai, Zhuang and the Kondh. तो हमने इसमें बात किया सबसे पहले मोनोगैमी. मोनोगैमी में वन मैन मैरिज वन वूमन. पॉलीगैमी में वन पर्सन विद मोर देन वन पर्सन ऑफ द ऑपोजिट सेक्स. उसमें पॉलीगैमी में आगे दो टाइप्स आती है, जिसमें सबसे पहले हमने बात की पॉलीगाइनी की. पॉलीगाइनी में भी दो टाइप्स है, सरोरल पॉलीगाइनी एंड नॉन सरोरल पॉलीगाइनी. ओके, नेक्स्ट इज पॉलीएंड्री. पॉलीएंड्री इज द टाइप ऑफ मैरिज इन विच वन वोमन मैरिज टू सेवरल मैन. अब यहाँ पे क्या है, वन वोमन मैरिज टू सेवरल मैन. इफ द हस्बैंड्स आर ऑल ब्रदर्स देन दिस मैरिज इज कॉल्ड एडल्फिक और फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री. अब यहाँ पे क्या होगा, जो हस्बैंड्स है अगर वो आपस में भाई हैं, देन उस मैरिज को क्या बोला जाएगा, एडल्फिक और फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री. इफ़ द हस्बैंड्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर एंड शेयर द सेम वाइफ, इट इज़ कॉल्ड नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री. इफ़ हस्बैंड्स जो है वो रिलेटेड नहीं है, जो कि फर्स्ट केस में ब्रदर्स थे, और दूसरे केस में क्या है कि वो किसी भी तरह से आपस में रिलेटेड नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री. पॉलीएंड्री एज अ फॉर्म ऑफ मैरिज इज़ वेरी मच रिस्ट्रिक्टेड एंड इज़ कन्फाइड टू अ फ्यू ट्राइबल कम्युनिटीज़. पॉलीएंड्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है और ये कन्फाइंड है कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ में, मोस्टली अलॉन्ग द फुट लाइन्स ऑफ द हिमालयाज. अब कौन सी कुछ सी ट्राइब्स में हमें देखने को मिलता है, द कोटा, द खासा, द टोडा, द लधानी बोटा and the Khasi practices this type of marriage. The Toda of Nilgiri Hills and the Khasa practice fraternal polyandry. जो Toda है Nilgiri Hills के और Khasa है वो practice करते हैं किसको, fraternal polyandry को, where husbands are all brothers. The Nayar woman practice non-fraternal polyandry. Okay, next is bigamy. In Mysore, the Midhara and the Hoya tribes
strictized bigamy type of marriage wherein a male is allowed to marry two women at a time. अब यहाँ पे क्या होता है, बाइगैमी में जहाँ पे एक मेल को है अलाउ किया जाता है टू मैरी टू वीमेन एट अ टाइम, और जो वो को वाइफ्स होंगी आपस में वो क्या होंगी, सिस्टर्स होंगी, दैट इज़ कॉल्ड एज द बाइगैमी. अब हमने टाइप्स ऑफ मैरिज में जो है तीन टाइप्स की बात की है, मोनोगैमी, पॉलीगैमी एंड बाइगैमी. पॉलीगैमी में हम लोगों ने बात की पॉलीगाइनी एंड पॉलीएंड्री. पॉलीगाइनी में हमने बात की दो टाइप्स की, सरोरल एंड नॉन सरोरल. पॉलीएंड्री में बात की हमने फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री एंड नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री. ऑल सोसाइटीज हैव रूल एंड रिस्ट्रिक्शन अबाउट हुम वन मे और मे नॉट मैरी. देखो हर सोसाइटी में कुछ रूल्स हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि किसी शादी करनी है और किसी शादी नहीं करनी है. The practice of marrying outside one's own family, clan, group, village or group is called as exogamy. Practice of marriage, जब हम अपनी फैमिली के क्लैन से या विलेज से या ग्रुप के बाहर शादी हो तो उसको क्या बोलते हैं, एग्जोगैमी, मतलब आउटसाइड द ग्रुप. द प्रैक्टिस ऑफ क्लैन एग्जोगैमी इज वाइडली फॉलोड अमंग द इंडियन ट्राइबल्स लाइक गोंड, बायगा, एचओ, कौरवा, द खासी. द मुंडा ट्राइब ऑफ छोटा नागपुर रीजन प्रैक्टिस विलेज एग्जोगैमी. क्लैन एग्जोगैमी मतलब आउटसाइड द क्लैन. हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा कि जो क्लैन है विद इन द क्लैन मैरिज नहीं करते हैं, ट्राइब्स की अगर हम बात करें. और जो मुंडा ट्राइब है वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं विलेज एग्जोगैमी, मतलब विद इन द सेम विलेज मैरिज नहीं होती है. मजुमदार एंड मदान से दैट प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन वन ओन ट्राइब और वेरी रेयरली द क्लैन इज कॉल्ड एंडोगैमी. टू टाइप्स ऑफ एंडोगैमी. अब मदान एंड मजुमदार या मजुमदार एंड मदान ने क्या बोला कि जब भी ऐसा हो, देखो सिंपल सी बात है, एक टाइप आती है एक्सोगैमी, एक आती एंडोगैमी. एक्सोगैमी हो गया मैरिज आउटसाइड द ग्रुप, एंडोगैमी हो गया मैरिज विद इन द ग्रुप. अब मैरिज विद इन ओन ट्राइब या वेरी रेयरली विद इन द सेम क्लैन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोगैमी. देर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोगैमी, क्लैन एंडोगैमी एंड ट्राइब एंडोगैमी. दैट मीन्स मैरिज विद इन द क्लैन और मैरिज विद इन द ट्राइब, जो कि बहुत रेयरली देखने को मिलेगा. द टोडोज ऑफ नीलगिरी हिल्स हैव टू मेन क्लैन सच एज तरथरोल एंड ताइवालियोल. दीज क्लैन्स आर एंडोगैमस ग्रुप. जो ये दो ग्रुप्स की हमने बात की जो कि टोडोज ऑफ नीलगिरी हिल्स में है, टू क्लैन्स, ये क्या है, एंडोगैमस ग्रुप्स, मतलब मैरिज विद इन दी क्लैन. बट दे आर सब डिविजन्स एंड से प्रैक्टाइस एक्सोगैमी. पर जो इसके कुछ सब डिविजन्स हैं, वॉट दे प्रेफर, वो एक्सोगैमी फॉलो करते हैं. लाइकवाइज द बिल्स हैव टू एंडोगैमस ग्रुप सच एज द उयाल भिल एंड द मेले भिल. नाउ अ डेज ट्राइब्स इन इंडिया लाइक द गोंड एंड बिल एंड द संथल हैव ब्रोकन डाउन द बैरियर्स ऑफ एंडोगैमी एंड हैव स्टार्टेड मैरिंग विद इन द लोअर कास्ट फॉर देयर इनकॉर्पोरेशन विद इन द हिंदू कास्ट. अब जो भी हमने टाइप्स की बात की, इसमें भी कहीं ना कहीं अब चेंज आ गया है. तो नाउ ट्राइबल्स हैव स्टार्टेड मैरिंग विद इन द लोअर कास्ट फॉर देयर इनकॉर्पोरेशन इन टू द हिंदू कास्ट. नेक्स्ट, द ट्राइब्स इन इंडिया प्रैक्टाइज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल मैरिजेस, जहाँ पे प्रेफर करते हैं मैरिज. फर्स्ट वन, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कज़न मैरिज. कज़न मैरिज जो है वो कहाँ कहाँ पे प्रैक्टाइज की जाती है. द गोंड, द खरिया, द उरान, द खासी एंड द कदर प्रैक्टाइज कज़न मैरिज. अब कज़न मैरिज भी है वो दो तरीके के हैं, क्रॉस कज़न मैरिज और पैरेलल कज़न मैरिज. क्रॉस कज़न मैरिज इज़ फाउंड among different tribes in southern India. Cross cousin marriage जो है वो different tribes में देखने को मिलती है जो कि southern India में है. The Gonds of Madhya Pradesh practice cross cousin marriage and call it दूध लोटावा or the return of the milk. This is also because the bride price paid by the husband for his wife comes back to his own family through the marriage of his daughter विद द सन ऑफ हिज वाइफ्स ब्रदर. इसका मतलब क्या है कि हस्बैंड की जो वाइफ, ठीक है, जो मतलब फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली है, ठीक है, उसमें क्या है कि
जो लेडी है उसने अपनी जो है, एक मिनट, ब्राइड प्राइस पेड बाय द हस्बैंड फॉर हिज वाइफ कम बैक्स टू हिज होम थ्रू द मैरिज ऑफ हिज डॉटर विद द सन ऑफ हिज वाइफ्स ब्रदर। ओके, मतलब जो लेडी है फैमिली वन की, उनकी जो है बेटी की शादी जो है आगे उसके मैटरनल अंकल के घर कर दी जाए, तो उसको कहा, क्या कहा जाता है, क्रॉस कज़न मैरिज, या तो उसको यहाँ पे टर्म जो दी गई है दैट इज़ कॉल्ड द रिटर्न ऑफ द मिल्क, दैट मीन्स मैरिज किसकी, ऑफ डॉटर विद द सन ऑफ हिज वाइफ्स ब्रदर। मैरिंग वंस फादर्स ब्रदर चाइल्ड और मदर सिस्टर चाइल्ड इज कॉल्ड एज पैरेलल कज़न मैरिज। अब यहाँ पे क्या पैरेलल में, सेम जहाँ पे हो गया फादर्स ब्रदर चाइल्ड और मदर सिस्टर्स चाइल्ड। नेक्स्ट इज द लेवरेट। अब लेवरेट में क्या है, इफ अ मैन डाइज हिज वाइफ इज इनहेरिटेड बाय द ब्रदर ऑफ डिजीज हस्बैंड। जब अगर एक मैन की डेथ हो जाए और उनकी उसकी जो वाइफ है उसकी शादी जो है डिजीज हस्बैंड के ब्रदर के साथ करा दी जाए, दैट इज कॉल्ड एज अ लेवरेट। दिस प्रैक्टिस ऑफ बींग एक्चुअल और पोटेंशियल मेट टू वंस हस्बैंड्स ब्रदर इज कॉल्ड लेवरेट। द कस्टम ऑफ लेवरेट इज फाउंड अमंग सेवरल ट्राइब्स लाइक संथल, एचो, मुंडा एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे क्या है, लेवरेट के आगे दो टाइप्स हैं, सीनियर लेवरेट और जूनियर लेवरेट। मैरिज ऑफ द विडो विद द डिजीज हस्बैंड्स एल्डर ब्रदर इज कॉल्ड सीनियर लेवरेट। अगर मैरिज विडो की डिजीज हस्बैंड के बड़े भाई से करा दी जाए तो उसको क्या कहा जाता है, सीनियर लेवरेट। मैरिज विद डिजीज हस्बैंड्स एल्डर ब्रदर। बट व्हेन शी मैरिज टू द यंगर ब्रदर ऑफ द डेड हस्बैंड देन इट इज़ कॉल्ड एज जूनियर लेवरेट। जूनियर लेवरेट में क्या है, मैरिज ऑफ द विडो विद द डिजीज हस्बैंड्स यंगर ब्रदर। नेक्स्ट इज सोरोरेट। द प्रैक्टिस ऑफ बींग एक्चुअल और पोटेंशियल मेट टू वंस वाइफ सिस्टर इज कॉल्ड सोरोरेट। द कस्टम ऑफ सोरोरेट इज फॉर्म्ड अमंग द ट्राइबल कम्युनिटीज वेयर द प्रैक्टिस ऑफ ब्राइड प्राइज इज प्रेवलेंट। इफ द वाइफ हैज़ नो सिस्टर देन द पर्सन विल मैरी विद हर कजन, एंड इफ नो कजन देन द पर्सन विल मैरी आउटसाइड। इट इज़ फाउंड इन गोंड एंड खरिया ट्राइब ऑफ इंडिया। सोरोरेट में क्या होता है, अगर एक मैन की वाइफ की डेथ हो जाए तो वो डिजीज वाइफ की सिस्टर के साथ जो है शादी करा दी जाए तो उसको क्या बोला जाता है, सोरोरेट बोला जाता है। अगर सिस्टर नहीं है देन द पर्सन विल मैरी विद हर कज़न, किसी कज़न के साथ शादी करा दी जाती है। अगर कज़न नहीं है देन द पर्सन विल मैरी आउटसाइड, उसको क्या बोलते हैं, सोरोरेट। अब टाइप्स ऑफ मैरिज अमंग ट्राइब्स हमने कौन सी पढ़ी, मोनोगैमी, पॉलीगैमी, बाईगैमी, एंडोगैमी, एक्सोगैमी, देन क्रॉस कज़न, ये कज़न मैरिज जिसमें हमने क्रॉस कज़न और पैरेलल कज़न की बात करनी है, देन लेवरेट एंड सोरोरेट। नेक्स्ट इज़ दी सेरेमनीज ऑफ मैरिज। अब सेरेमनीज़ की अगर हम बात करें ट्राइब्स में तो बहुत ही सिंपल तरह की होती हैं। द सेलिब्रेशन ऑफ मैरिज इन अ ट्राइब इज़ अ सोशल ओकेजन फॉर मच फेस्टिविटी एंड रिजॉयसिंग्स थ्रू द मैरिज सेरेमनीज आर क्वाइट सिंपल। अब जो सेलिब्रेशन है मैरिज की ट्राइब्स में वो क्या है, सिंपल तरह का ओकेजन है। इन सम ट्राइब्स द मेयर एप्लीकेशन ऑफ वर्मिलियन ऑन द फोरहेड ऑफ द गर्ल बाय द ब्राइडग्रूम इज़ अ सोल सेरेमनी ऑफ द मैरिज। ट्राइब्स में क्या होता है, सिंपली द एप्लीकेशन ऑफ वर्मिलियन, मतलब सिंदूर लगा के जो है वो सेरेमनी, मैरिज सेरेमनी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इन सम ट्राइब्स द ब्लड ऑफ द ब्राइड एंड द ब्राइडग्रूम आर मिक्स्ड एज अ टोकन ऑफ देयर इंटीमेट यूनियन। कुछ ट्राइब्स में क्या है, द ब्लड ऑफ द ब्राइड एंड द ब्राइडग्रूम आर मिक्स्ड एज अ टोकन ऑफ देयर इंटीमेट यूनियन। इन गॉन्ड ट्राइब द प्रोसेशन ऑफ मैरिज स्टार्ट फ्रॉम द ब्राइड्स प्लेस इंस्टेड ऑफ फ्रॉम द ब्राइडग्रूम्स हाउस। जो प्रोसेशन है मैरिज का वो कहाँ से होता है, ब्राइड्स प्लेस, दुल्हन के घर से, इंस्टेड ऑफ फ्रॉम द ब्राइडग्रूम्स हाउस। There are almost no religious sanskar observed on the occasion of a tribal marriage, but generally there is provision for community songs and dances and feasts. जब हम tribal marriage की बात करते हैं उसमें जो ceremonies होती हैं बहुत simple तरीके की होती हैं, कोई संस्कार, कोई rituals नहीं होते हैं, बस simply community songs या फिर dance या खाना पीना, बस इसी तरह की उनकी ceremony of marriage होती हैं। नेक्स्ट इज डिवोर्स एमंग ट्राइब्स।
अब जैसे हम लोग अगर हिंदू सोसाइटी की बात करें या सिविलाइज सोसाइटी की बात करें, देर आर सर्टन लॉज जिससे रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज हो पॉसिबल है, बट जब हम डिवोर्स अमंग ट्राइब्स की बात करते हैं, इनके अलग रूल्स हैं। देर आर नो स्ट्रिक्ट रूल्स कंसर्निंग डिवोर्स अमंग ट्राइब्स। मैरिज इज नथिंग मोर देन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड मोस्ट ऑफ द मेल्स मैरी टू फुलफिल द डिजायर फॉर चिल्ड्रन। देर आर डिफरेंट रूल्स ऑफ डिवोर्स ऑब्जर्व इन डिफरेंट ट्राइब्स। अब यहाँ पे क्या है, कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है अगर हम लोग डिवोर्स की बात करें। मैरिज इज़ नथिंग मोर देन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड मोस्ट ऑफ द मेल्स मैरी किस लिए, टू फुलफिल द डिज़ायर फॉर चिल्ड्रन सो एज टू कंटिन्यू द प्रोजेनी इन अ सिंपलर वे, सिंपल सेंस। देयर आर डिफरेंट रूल्स ऑफ डिवोर्स ऑब्जर्व इन डिफरेंट ट्राइब्स। एमंग द कोरावा ट्राइब ऑफ मिर्जापुर द प्रोसीजर इज़ वेरी सिंपल। वेन अ डिससेटिस्फाइड हस्बैंड asks his wife to leave him and refuses to maintain her, she leaves him and goes to her father. She is now considered to be divorced and can marry again. In this tribe, the divorced women are much respected. कोरावा ट्राइब ऑफ मिर्ज़ापुर में क्या है, अगर हस्बैंड जो है वो नहीं चाहता वाइफ के साथ रहना, वो नहीं मतलब जो है उसको मेंटेन नहीं कर सकता है, तो वो सिंपली उसको बोल दे कि चले जाए, तो वो क्या करती है जो वाइफ है वो सिंपली she will go back to his her father's house. Now she is considered as divorcee और जो है वो उसके बाद जो है कभी भी शादी कर सकती है, she has full right. And in this tribe जो डिवोर्स वुमेन है उसको मच रिस्पेक्ट मिलती है, कोई स्टिग्मा अटैच नहीं होता है उस वुमेन के साथ, वो भी एक फ्री पर्सन है विद इन द सोसाइटी। अमंग बिल्स द हजबेंड डिजायरस ऑफ डिवोर्सिंग हिज वाइफ calls a village panchayat and publicly gives her a piece of cloth from his turban, declaring that he is deserting her and henceforward treat her as his sister. Bills में क्या होता है, husband किस तरह से divorce देता है wife को, एक विलेज पंचायत बैठती है, उसमें वो अपनी turban से piece of cloth निकाल के अपनी जो wife है उसको देगा, that means कि वो उसको wife नहीं consider करता है। The woman hangs this cloth from the roof of her father's house where it remains hanging for a month. और वो जो पीस ऑफ क्लॉथ है वो वोमन जो है अपने फादर्स हाउस जो है उसके रूफ पे लगा देगी फॉर अ मंथ। इट सिग्निफाइज दैट हर हस्बैंड हैज नो मोर राइट्स ओवर हर एंड शी कैन नाउ मैरी अगेन। उसका मतलब ये है कि हर हस्बैंड उसके हस्बैंड का जिसे डिवोर्स हो चुका है उसका कोई राइट नहीं है अब उस पर, एंड नाउ शी कैन मैरी अगेन। अमंग गॉन्स इफ अ वोमन डिवोर्सेस हर हस्बैंड विदाउट हिज कंसेंट हिज सेकेंड हस्बैंड हैज़ टू पे कंपनसेशन टू द फॉर्मर। गॉन्स में क्या होता है, अगर एक वुमेन जो है वो डिवोर्स दे अपने हस्बैंड को विदाउट हिज कंसेंट, देन जो वुमेन जो वुमेन का सेकेंड हस्बैंड है उसको कंपनसेशन देना पड़ता है किसको, फर्स्ट हस्बैंड को। एमंग द मोरिया ट्राइब द डिवोर्स इज नेवर कंसिडर टू बी वैलिड अनलेस द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इज पेड टू द फॉर्मर हस्बैंड। मोरिया ट्राइब में क्या है, तब तक डिवोर्स को वैलिड नहीं माना जाता जब तक कि कंपनसेशन पूरा पे ना किया जाए किसको, फॉर्मर हस्बैंड को। दिस अमाउंट इज डिसाइडेड बाय द ट्राइबल पंचायत, और ये जो अमाउंट है कौन डिसाइड करता है, ट्राइबल पंचायत। अमंग ट्राइबल्स बोथ मेल एंड फीमेल हैव अ राइट टू डिवोर्स। द कस्टम्स कंसर्निंग डिवोर्स हाउएवर आर चेंजिंग बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदू एंड क्रिश्चियन कल्चर्स ऑन द ट्राइबल पीपल दीज डेज। अब हम ट्राइबल्स की बात करें तो मेल एंड फीमेल दोनों को राइट है डिवोर्स का, और जो कस्टम्स है डिवोर्स के रिगार्डिंग अब कहीं ना कहीं चेंज हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ सम अदर कल्चर्स ऑन द ट्राइबल पीपल दीज डेज। ट्राइबल मैरिज की अब हमने बात की, ट्राइबल मैरिज में सबसे पहले अपने मैरिज के बारे में थोड़ा सा बताना है, मैरिज क्या होती है, देन यू हैव टू टॉक अबाउट फॉर्म्स ऑफ मैरिज, उसके बाद अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैरिज, सेरेमनीज ऑफ मैरिज एंड देन दी डिवोर्स अमंग ट्राइब्स। अब अगर आपको एग्जाम में लॉन्ग टर्म क्वेश्चन पूछा जा रहा है अगर मैरिज पे, तो आप लोगों को सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मेक इट शॉर्ट। अगर फॉर्म्स मैरिज के हैं तो कुछ टाइप्स बता दो, अगर टाइप्स हैं तो रिस्ट्रिक्टेड टू फोर फाइव टाइप्स ओनली, देन टॉक राइट फ्यू लाइन्स अबाउट सेरेमनीज एंड देन डिवोर्स अमंग ट्राइब्स। थैंक यू।